हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू और साबूदाने की खिचड़ी। तो गाइस, सबसे पहले हम साबूदाने को 30 मिनट तक गलने को रखेंगे। तो गाइस, जब तक हमारे साबूदाने गल रहे हैं, हम आलू फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। हमारा ये जीरा देखिए थोड़ा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल लेंगे। इनको थोड़ा ही पकाना है। थोड़े पकाने के बाद इसमें हम आलू फ्राई कर लेंगे। हमको कम से कम 10-15 मिनट तक आलू फ्राई करना है। इसी तरह से करते रहना है। देखिए, हमारे आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम हमारे साबूदाने रखे थे वो डाल लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमको थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा इस कलर के लिए इसमें हम हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर काली मिर्ची है तो आप वो भी डाल सकते हो। उससे आपकी खिचड़ी ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही बेस्ट स्वाद लगता है उस। तो आलू और साबूदाने को मिलाकर हम 5 से 10 मिनट के लिए और पका लेंगे और मिनटों में ही हमारी खिचड़ी बनकर हुई तैयार। तो गाइस, अगर आपके पास हरी धनिया है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। हमारे पास है नहीं है, इसलिए हम नहीं डाल रहे। थैंक यू, गुड बाय।